ठीक जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। अरे ये तो आया बहुत पहले आ गया। जय भोलेनाथ आगे बढ़ाओ। एक बन गया गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग आई सब ब्लॉग्स। तो अभी बजे हैं सुबह के 3:30 और अभी हम लोग जाने वाले हैं केदारनाथ। मतलब कोई रात का प्लान नहीं था केदारनाथ जाने का, मेरा प्लान होना 11:30 बजे और चाचा वगैरह सब आए हुए हैं। राजू भैया भी जाना है, ये जा रहा है और पिंटू चाचा जा रहे हैं और सही चाचा जा रहे हैं और यहाँ पर नाश्ता वगैरह चल रहा है अभी। तो हम लोग जाने वाले हैं बाइक से और ये बहुत सारे हेलमेट्स हैं। एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है राजू भैया, लाइट है ही नहीं बात, और एक ये एक गाड़ी ये है और दूसरी ये। तो एक गाड़ी पे दो लोग जाने वाले हैं। तो वही हमारे साथ अमित चाचा भी जा रहे हैं और चंदन भैया भी जा रहे हैं और ये भाई लोग भी जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे भाई लोग जा रहे हैं, मस्त मज़ा आने वाला है। अभी तो फिलहाल रात हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है, 4 बजे अभी रात के और अभी हम लोग निकल नहीं पाए, जल्दी निकलने वाले हैं। इतने पकड़ना पड़ता है। तो फिलहाल अभी टाइम हो गया 5:31 और अभी तक हम किच्छा से नहीं निकल पाए। मतलब हम लोग घर से निकल गए थे 3:30 बजे और अभी 5:31 हो रहे हैं, यानी कि 5:30 लगभग बज गए। हम लोग किच्छा से नहीं निकल पाए। अभी पीछे सारे भाई लोग फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे हैं और यहाँ मंदिर है शिव जी का, तो वहाँ पे पत्थर वगैरह टेक रहे हैं। बस जस्ट 5 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की जर्नी में। यार राजीव भाई की गाड़ी इधर तैयार है, सचिन चाचा की गाड़ी और इधर भाई राइडर रोहन भाई राइडर है। भाई ब्लॉग में नहीं लगा मैं यार। और भाई सारी गाड़ियाँ भी रेडी हो चुकी है और मस्त मजा आने वाला है, सब लोग जा रहे हैं। तो दिनेश भाई अमित चाचा यहाँ पे चंदन भैया ये क्या लेके जा रहे हो? ये देना है रात में रास्ते में लेटने के लिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पे केदारनाथ रह गया है पूरे 311 किलोमीटर दूर यहाँ से और हम लोग चल रही है घर से कम 50 किलोमीटर आगे आ गए। और चाचा थके तो नहीं हो? थोड़ी थोड़ी थकान हो रही चाचा, ऑलरेडी 150 किलोमीटर चल के आए थे, अभी ने 311 किलोमीटर और चल के जाना। कोई बात नहीं, भोले बाबा जैसे बुला रहे हैं। मेरा हेलमेट तो टम्पू जैसा है, यही मेरा जल्दबाजी में क्या करता। और हमारे साथ के भाई लोग आगे रुके हुए हैं, वही यहाँ पे सबसे पहले अमित चाचा रुके हुए हैं यहाँ पे। थके तो नहीं हो? थके तो नहीं हो? नहीं नहीं थोड़ी गर्म हुई है। पिंटू चाचा राजीव भाई जस्ट वही सारे भाई लोग यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉप ले रहे हैं। यहाँ से केदारनाथ रह गया है कितना, 311 किलोमीटर रह गया पूरा। तो फिलहाल अभी हम भीमताल पहुंचने वाले हैं और भाई यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू काफ़ी ज़्यादा। और जो हमारी फैमिली है ना, जो कसी से फैमिली, जो हमारी 3 गाड़ी है, वो हमारी 3 गाड़ी साथ में चल रही है। और भाई यहाँ का व्यू देखो, व्यू भाई सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा व्यू लगता है यहाँ का, एकदम बहुत ज़्यादा बेहतरीन व्यू है यहाँ का बहुत ज़्यादा। फिलहाल अभी हम यहाँ से बाय करने वाले हैं बरसाती, क्योंकि मौसम थोड़ा बादल वाला हो रहा है, यानी कि हो सकता है कि बारिश आ जाए कहीं भी, तो बरसाती ले लेते हैं क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। लगभग अभी हमें कम से कम अभी 280 किलोमीटर अभी चलना है। कौन सी पसंद आ रही है देखते हैं, पसंद करते हैं। पसंद किया अभी पैक आ गई, पसंद है भाई। बरसाती बढ़िया, सब ठंडी लगेगी, दोनों काम करेंगे, ये बारिश से ही बचाएंगे और ठंड से भी। हाल अभी चाचा ने ये वाली बरसाती खरीदी है और इन्हें पहन भी ली, खरीदते ही पहन ली, क्या करें, खरीद तो उतार देंगे। तो भाई रेनकोट वगैरह तो ले लिया है और अभी हम पहुंच गए भीमताल। ये देखो ये भीमताल के लिए गए, पता नहीं लगा कब भीमताल पहुंच गए, चलते चलते पता नहीं लगा।
भाई अभी स्टॉप ले लिया है एक जगह पे, पता नहीं कहाँ है, और यहाँ पे झरने वगैरह भी गिर रहे हैं पीछे। चलो बहुत हो गया डांस, अब चलते हैं। चलो ये कैची धाम, अब हम नीचे आ गए, अब यहाँ से साफ दिख रहा है कैची धाम टेम्पल, ऊपर से साफ नहीं दिख रहा था। कैची धाम में कैची धाम दिख रहा है साफ, अभी चाचा भी साफ दिख रहे हैं और कैची धाम भी साफ दिख रहा है। तो यहाँ से एंट्री है कैची धाम टेम्पल। हमने स्टॉप लिया है रानीबाग में, और यहाँ पे व्यू भाई एकदम से काफी ज्यादा मस्त व्यू हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया। पीछे देखो, पीछे पहाड़ देखो, कितने ज्यादा मस्त मस्त पहाड़ है पीछे, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं देखते रहो। देखो भाई ये सब ना खेत है, ये यहाँ पे खेत है, ये सब ये सीढ़ीदार खेत है यहाँ पे, और ये पहाड़ भाई, और बाकी हमारे सारे राइडर्स मतलब जितने भी लोग हमारे साथ आए सब वहाँ पे रुके हुए हैं। फूल वगैरह यहाँ पे पहाड़ के फूल। तो फिलहाल अभी हम रानीखेत पहुंचने वाले हैं। रानीखेत लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर आगे रह गया है, और यहाँ पे बीच में ना स्पोर्ट्स चल रहा है, वो सब तीर चला रहे हैं, और वो सामने वो जो दिख रहे हैं 1-2 तीर, उस पर तीर मारना था भाई, बहुत तेज से जा रहे हैं। सामने से तो दिख रहा है कि कितनी तेज़ से जा रहा है, लेकिन कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में भाई। यहाँ पे सब देखने में लगे पड़े हैं, न्यू एक्सपीरियंस है नहीं ये, एकदम से न्यू एक्सपीरियंस है सबका, ये पहली बार सबने देखा है। 1920 मूवी है जो वो दिखाया हुआ है, वो यही है कार्यालय। अच्छा अच्छा, 1920 जो कार्यालय है वो यही है, 1920 मूवी का जो कार्यालय है। अभी हम वादियों में आ गए नीचे, और भाई अभी हमारी यात्रा काफ़ी लंबी रह गई है, और ये देखो एकदम शुद्ध पानी है यहाँ पे, शुद्ध पानी, और चाचा कह रहे चटकारे वाले सांप मिलते हैं यहाँ पे। ग्रीन सांप बिल्कुल, मैंने खुद देखा ग्रीन सांप, बिल्कुल हरा, सच में यहाँ पे बिल्कुल हरा सांप मिलता है जंगलों में। तो भाई यहाँ का पानी भाई इतना साफ है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ भाई प्योर मिनरल वाटर है ये। तो अभी यहाँ पे खाना वगैरह तैयार हो रहा है, बोले खाना तैयार कर रहे हैं, क्या बना रहे हो? खिचड़ी बननी है, बोले खिचड़ी तहरी, तहरी बननी है, बोल शंकर भगवान की जय। गर्मा गर्म खिचड़ी रेडी हो गई है भाई, टेस्टी है खिचड़ी, बहुत बढ़िया। तो ये फटाफट से फिनिश कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे की जर्नी हम पूरा एंजॉय लेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग रास्ते में हैं, और यहाँ पे बारिश आ गई है बहुत तेज, मतलब अभी बारिश आ गई, तो हमने रेनकोट पहन लिया भाई, मैंने अच्छे से पहन लिया, बिल्कुल मैं जादू लग रहा हूँ, जादू। और भाई यहाँ पे राजीव भैया ने भी रेनकोट पहन लिया, इसने ब्लू कलर का लिया था और मैंने ग्रीन कलर का लिया था। तो भाई अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, पहले हमारा प्लान था केदारनाथ जाने का, लेकिन अभी हम पहले बद्रीनाथ जाएंगे फिर उसके बाद केदारनाथ जाएंगे, तो अभी हम यात्रा शुरू कर रहे हैं बद्रीनाथ की। फिलहाल अभी भी हमको बहुत ज़्यादा चलना है, बहुत ज़्यादा, मतलब भाई ऑलरेडी इतना चल चुके हैं, अभी और चलना है। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है इतना, मैंने ट्रैवल किया है बाइक से, ट्रेन से तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बट यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये भागीरथी नदी है, और आगे संगम भी होगा, तो वो भी देखते हैं हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो भाई कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये बह रही है, We'll be right back.
दोस्तों अभी हमने स्टॉप लिया है कर्ण प्रयाग में, तो कर्ण प्रयाग से अभी हम थोड़ा आगे आ गए हैं और अभी यहाँ से बद्रीनाथ काफ़ी दूर रह गया, काफ़ी दूर है, लगभग काफ़ी दूर है, मुझे नहीं पता कितना दूर है लेकिन काफ़ी दूर है। देखो ये लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से ऊपर से पता नहीं कितनी खतरनाक रास्ता है और यहाँ पे देखो वाटरफॉल गिर रहा है भाई, एकदम बढ़िया पानी ज़बरदस्त, देखो वाटरफॉल गिर रहा है ऊपर से और इसमें सब पत्थर भी गिर रहे हैं। सामने ऊँचे ऊँचे पहाड़ और सामने ही है नीचे को भागीरथी नदी। पहाड़ों में तो ऐसे घूमे और ऐसी नई नई जगह मिलती रहती है और ये भाई काफ़ी काफ़ी बढ़िया जगह है भाई, ये पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे खुला है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है इसमें, लेकिन ध्यान रखते हुए तो भाई यहाँ पे चाय आ गई है दो चच्चा। ये मैंने लेस मंगाया, मैंने लेस मंगाया, पिंटू चाचा ने लेस मंगाया है, अकेले अकेले खाओगे सब खाएंगे बल्कि। ये कौन सा लॉजिक है, चाय के साथ लेस कौन खाता है? मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ भाई। सुबह से अब चाय मिली है भाई, फटाफट चाय फिनिश करते हैं और इसके बाद फिर सीधे मिलते हैं बद्रीनाथ। दोस्तों अभी हम बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर पीछे रुके हैं और यहाँ पे हमने रूम ले लिया है। ये देखो ये सब लोग रूम में हैं, चंदन भैया, चाल भाई, राजीव भाई, पिंटू भाई, सचिन चाचा, अमित चाचा, थक चुका हूँ भाई, इस बारे में बोले होंगे तुम्हारे तो। खैर दोस्तों आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल बद्रीनाथ वाले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।